नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर बरेड से है, जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आज उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के कई टीमें फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1.5 लाख रुपए एवं सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 30,000 रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। 3 दिवसीय टूर्नामेंट का उद्घाटन आज सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी, उपायुक्त रामनिवास यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजा राम मरंडी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव मुजीबुर रहमान, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी सहित कई गण्यमान्य लोगों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, फीता कार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ने खेल के बढ़ावा देने को लेकर अपने वक्तव्य में कहा कि अपने बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देना चाहती है, इसके लिए निचले स्तर से, प्रखंड स्तर से, पंचायत स्तर से खिलाड़ियों का चयन करके राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अवसर दिया जाएगा। यह सरकार का एक खेल नीति का अंग है। उन्होंने सभी टीमों से अच्छे से इसमें भाग लेकर खेल भावना के तहत खेल खेलने का आग्रह किया। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, चलिए बरेड फुटबॉल मैदान में चलते हैं उद्घाटन समारोह में और सीएम प्रतिनिधि को बातों को सुनते हैं। खेल के प्रति ये सरकार, झारखंड सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये स्पष्ट है कि यहाँ के हरेक प्रखंड से, गांव से, जिला से, परमंडल से खिलाड़ियों को चूरकर राज्य स्तर पर और राज्य से देश स्तर पर इसको लाने का काम हम लोग सरकार ये कर रही है और सभी प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम बनाने का भी प्रस्ताव सरकार दिया है। और हम खिलाड़ियों से यही अपील करेंगे कि आप खेल को खेल भावना से खेलें और खेल में कोई एक जीतता है और एक हारता है। हारने वाले भी खिलाड़ियों के लिए शुभकामना और जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी मेरी शुभकामना है। यहाँ पर